Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. I welcome you all to the chapter number 4, which is called as Debt, Capital and Deposits. And this is the part number 1. The name of the subject is Company Law. Or jaise ki aap jante hain, ki teen parts hum log, ya main aise kahun, teen chapters hum log isse pehle already complete kar chuke hain. Second chapter apne aap mein kaafi bada chapter tha, aapne khud bhi realize kiya hoga. And the same goes with third. Jab aap fourth chapter ki bare mein hum baat start kar rahe hain, to hamesha ki tarah जो मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ, चाहे मैं फाइनल पढ़ा रहा हूँ और चाहे फिर मैं अब आपके सामने एग्जीक्यूटिव में हूँ, मैं पहले बात करना चाहूँगा इस चैप्टर के बारे में इन जनरलाइज तरीके से कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या क्या और किन चीज़ों को हमें समझना होगा. उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वी विल टॉक अबाउट दी अदर थिंग्स. तो देखिए, नाम है डेट, कैपिटल एंड डिपॉजिट्स. तो हम ये सभी जानते हैं, अपने फैमिली में देखिए, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं या जिनको आप जानते हैं उनमें से कोई बिजनेस करता है तो उनसे पूछेगा कि क्या उन्होंने कोई लोन लिया है. मुझे उम्मीद है ज़्यादा लोग ऐसा कहेंगे कि यस, उन्होंने बैंक से लोन लिया है, या अगर कंपनी वो चलाते हैं तो उन्होंने शेयर्स के तौर पे पैसा लिया है. शेयर्स को हम लोन तो नहीं कह सकते, बट यस, शेयर्स के तौर पर फंडिंग इकट्ठी करी है, या डिबेंचर्स के तौर पर जो है वो भी उन्होंने मार्केट से पैसे लिए हैं. तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या उनके पास अपने जो फंड से वो सफिशिएंट नहीं थे, क्या उससे काम नहीं चल सकता था. सो द आंसर इज, देखिए, आपके पास भी अगर सेविंग है, भले आप कोई भी क्यों ना हो, इन जनरलाइज तौर से कोई भी, मतलब चाहे कितने बड़े भी आप क्यों ना हो इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर हम बिजनेस करते हैं तो ये एक बड़ा प्रूवन फैक्ट है कि बिजनेस के बारे में जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, कि जितना भी आप पैसा बिजनेस में लगाइए उसकी एक चीज बड़ी कॉमन है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या मिडिल साइज का हो या एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, वो कम ही पड़ेगा. आप जितना मर्जी, आपको लगेगा कि यार इतना पैसे मिल जाए, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूँ, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, आप कर दीजिए. उसके बाद आपको फिर लगने लगेगा कुछ समय में, नहीं इतना मुझे और चाहिए. सो ये जो और की डिमांड है, इसके लिए मजबूर हो जाता है एंटरप्रेन्योर कि वो लोन ले, कि वो मार्केट से पैसे ले. अब जब मार्केट से पैसे लेने की बात आती है तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि हम गए और किसी ने हमें पैसे दे दिए. एक लोन लाखों का छोड़िए, मुझे अगर 10,000 का ही एक लोन चाहिए, तब भी देखिए बैंक कितनी सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करता है. सो इन दैट प्रोसेस डेट, कैपिटल और कुछ नहीं है. जब कैपिटल यानी पैसा हम लोग लेंगे, डेट यानी उधार के तौर पर, जिसको हम डिबेंचर्स का नाम भी दे सकते हैं. हम जानते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स दो अलग अलग बातें हैं. चैप्टर सेकंड में काफ़ी डिस्कशन हुआ भी है हमारा इस दौर पे. तो शेयर्स एक ऐसी चीज़ है, या शेयर होल्डर्स कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, या जिनसे जो आपने पैसा लिया है, आप उनको कभी भी क्रेडिटर्स का नाम नहीं देंगे, जबकि डिबेंचर होल्डर्स आर दी सिक्योर क्रेडिटर्स. और आप जानते हैं ये बात कि अगर डिबेंचर होल्डर्स के पैसे आपने नहीं वापस किए तो वो क्या करेंगे, वो कंपनी की प्रॉपर्टी जो है उसको बेच सकते हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो इट टॉक्स अबाउट डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स मतलब लोगों से पैसा लेना, है ना. वो आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज एनबीएफसी. पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, बट एनबीएफसी इज द टर्म दैट आई यूज फॉर बैंकिंग कंपनीज. का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अब देखिए, जैसे कि बैंक्स हैं, SBI है, PNB है, और बहुत सारे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स के बारे में आप जानते हैं, वो जो भी रोल्स प्ले करते हैं उनमें दो बड़े कॉमन रोल्स हैं उनके. एक है कि लोगों से डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी पैसे से वो दूसरों को जो रिक्वायर्ड है, जिसको उसको लोन देते हैं. सो डिपॉजिट्स का काम वहाँ भी होता है, यानी लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और उससे बैंक को कैपिटल मिलता है. बैंक इसी पैसे को आगे इंडस्ट्रियलिस्ट को देता है और वो अपना काम चलाता है. फिर वो इंटरेस्ट देता है बैंक को, बैंक उसी इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन अपने पास रखता है, जबकि कुछ पोर्शन आपको सेविंग अकाउंट पे, आपने सुना होगा, इंटरेस्ट मिलता है, तो कुछ पोर्शन जो है उस बंदे को भी दिया जाता है जिसने पैसा बैंक में जमा किया है. अब जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझें कि जब हम इस चैप्टर को समझेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ना ही डिबेंचर्स के बारे में बात होगी, बट अगर हमें बैंकिंग कंपनी है तो एक अलग बात है, एनबीएफसी है या कोई बैंक है तो उसको डिपॉजिट तो लोग खुद देंगे आके,
और अगर एक नॉर्मल कंपनी है, क्या वो भी लोगों से पैसा डिपॉजिट्स के नाम पे ले सकती है? और अगर हाँ, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या नॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। यहाँ पे ये भी बात होगी जो डिबेंचर है, नॉट ओनली कि डिबेंचर क्या होता है, बट डिबेंचर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी। जब भी कंपनी लिस्ट होती है, मैंने काफी डिटेल में पहले आपसे बात करी है कि कंपनी को लिस्ट कराया जा सकता है इन द स्टॉक एक्सचेंज। प्रोमिनेंटली दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं जो लिस्टेड हैं, एक है BSE और एक है NSE। सो BSE इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, व्हाइल NSE स्टैंड्स फॉर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वो जो काम करती हैं, जब कंपनी को लिस्ट कराना है, डिबेंचर्स जो है उनकी लिस्टिंग होनी है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगता है, क्या प्रोसेस होता है इसके, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो हम इस चैप्टर के डिटेल में जाएंगे। बट क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल में जाना, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है और चीज़ों की क्लैरिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 4, कंपनी लॉ पार्ट नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स। जब बात करते हैं तो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, और सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट है, उसमें बात करी जाती है बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी एंड द डेट कैपिटल। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं दिस नॉट ओनली दिस चैप्टर बट इसके प्रीवियस चैप्टर्स या इसके बाद में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज पे हैं, जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे तो आपका मॉड्यूल कवर हो जाएगा, आपका स्कैनर कवर हो जाएगा। कोई यहाँ पे ऐसा शॉर्टकट्स नहीं है, मतलब ये है कि जो भी रिक्वायर्ड है वो पढ़ाया गया। बहुत बार आप देखते हैं कि अगर मॉड्यूल में 20 चैप्टर है तो किसी कोचिंग क्लास की बुक में भी 20 होंगे, पर वो 20 चैप्टर में इतने शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स बनाए होते हैं, और बहुत बार बहुत सारा कॉन्टेंट जो है उसमें खत्म कर दिया जाता है जो रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर हमारा डाउट बहुत बार यही होता है, बहुत बार हम पूछते हैं कि सर मॉड्यूल से पढ़े या कोचिंग की बुक से पढ़े या स्कैनर से देखें, तो ये जो आप नोट्स देख रहे हैं सभी चीजों को कंबाइन करता है। इसके बाद आपके माइंड में आई एम श्योर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। तो आइए बात करते हैं बोरिंग्स के बारे में, यानी उधार। सो इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली एडवोकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नेसेसरी। इन सम केसेस कैपिटल रेंज थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज इज नॉट एडवोकेट and the organization is restored to external resources of arranging capital। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि आपके पास हो सकती है savings, but जब आप एक बहुत बड़े level पे काम करने वाले होते हैं तो बहुत बार आप ये realize करेंगे कि जो savings आपके पास हैं, जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं सेव करके रखे, शायद वो बहुत बार sufficient ना हो, और इसीलिए आपको external या फिर outsider से जो पैसे हैं उनकी डिमांड करनी पड़े। Power of company to borrow, the directors have to pass a resolution at duly convened board meeting. एक बार मैं पढ़ के समझाऊंगा। To borrow the money, the power to borrow money can be delegated by a resolution passed by duly convened meeting of the directors to the committee of directors, MD, manager or any other principal officer of the company. However, the resolution must specify the total amount up to which money may be borrowed by the delegates. So देखिए ये अब तय हो गया कि हमें बाहर से भी पैसा लेना पड़ सकता है। देखिए ये जब हम बात कर रहे हैं तो ये इस presumption पे है, इस assumption पे है कि हमारे पास sufficient पैसे या sufficient amount नहीं है। कोई law ये नहीं कहता कि आप bank से loan लीजिए तो ही उसके बाद आप business कर पाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बल्कि ये तो अच्छा ही है अगर आप अपने खुद के पैसों से काम करते हैं तो ये अच्छा ही है, मतलब इससे ज्यादा और क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच, पर जल्दी बाहर जाना ही पड़ता है। और जब हम बाहर की पार्टी से, चाहे वो बैंक हो या कोई और हो जिससे हम पैसे उधार लेना चाहते हैं, बोरो करना चाहते हैं, तो उसके प्रोसेस को समझाते हुए यहाँ पे कहा गया कि कितने पैसे लेने हैं इसका फैसला कंपनी के डायरेक्टर्स लेंगे। और आप जानते हैं कि कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे फिर वो लिमिटेड कंपनी हो। तो कितने डायरेक्टर मिनिमम है और कितने मैक्सिमम है, या कितने मेंबर्स मिनिमम है और कितने मैक्सिमम है इन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी, ये प्रीवियस चैप्टर्स में हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं।
तो यहाँ पे एक आ गया कि ये किसी एक बंदे मान लो चल एक कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं तो उन 5ों में से ऐसा नहीं कि कोई भी एक तय कर ले कि हाँ भाई चलो हम इतना पैसा ले रहे हैं और बात खत्म हो जाए. इट वॉज नॉट लाइक दैट. ये डायरेक्टर्स को यूनानिमसली जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा और इसके लिए वो एक मीटिंग बुलाएंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्टर्स मीटिंग. वो मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें तय किया जाएगा कि कितना पैसा लेना है. क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर 5 में से एक ही डायरेक्टर ने सारे फैसले लेने हैं तो बाकी 4 को हमने क्यों रखा है. हमेशा डिसीजन जो होंगे स्पेशली डायरेक्टर्स के बीच में या अदरवाइज भी वो मेजॉरिटी से ही होंगे. अंटिल अनलेस मेजॉरिटी कुछ फ्रॉडलेट कर रही है तो एक अलग बात है, नहीं तो मेजॉरिटी से ही सारे के सारे डिसीजन किए जाएंगे. तो लिखा था डायरेक्टर हैव टू पास अ रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग टू बोरो द मनी. तो उनकी आप इस इमेज से देख भी सकते हैं मीटिंग बुलाई जाएगी जिसको आप बोर्ड मीटिंग कहेंगे क्योंकि वहां पे सिर्फ डायरेक्टर्स आएंगे और वो फिर फैसला लेंगे कि कितना पैसा उन्हें लेना है. और अगर डायरेक्टर्स को लगता है कि ये काम जो है ऑब्वियसली वो इसके लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके पास और बहुत सारे काम हैं और शायद वो इतना नहीं समय दे सकते कि वो अलग से मीटिंग में आए और इसके बारे में डिस्कशन करें, तो वो कहते हैं कि ठीक है. एक और ऑप्शन भी है कि अगर डायरेक्टर खुद नहीं आना चाहते तो वो एक कमेटी बना सकते हैं. कमेटी बनाते हैं मतलब आप बहुत बार देखते हैं अलग अलग चीज़ों को लेके कमेटी बनाई जाती है. कमेटी में कौन लोग होते हैं जो उस चीज़ के जानकार होते हैं. तो एक कमेटी बनाई जा सकती है और वो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं एम्प्लॉयज हैं मतलब विद इन द कंपनी, बाहर के लोग नहीं है उस कमेटी के अंदर, विद इन द कंपनी जो ऐसे लोग हैं जिन पे डायरेक्टर्स को विश्वास है भरोसा है कि भाई ये लोग कंपनी के फेवर में ही फैसला लेंगे, उस कमेटी में उन लोगों को रखा जा सकता है और वो लोग फाइनल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी कि कितना लोन लिया जाएगा और किससे लिया जाएगा और किन टर्म्स पे लिया जाएगा. अब ये उनकी एक लिमिट मतलब ये बात यहाँ पे कही गई है. बट अगर मैं उसको और एक्सप्लेन करूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स जो हैं, सवाल आपका जरूर ये हो सकता है कि सर डायरेक्टर ऐसा भी क्या बिजी है कि वो खुद नहीं आ सकते और वो कमेटी बना रहे हैं इसके लिए. देखिए अभी जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक पिक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशली विद दिस कंपनी लॉ. तो उसमें हम ये शायद अभी नहीं जानते कि डायरेक्टर होना या कंपनी सेक्रेटरी होना ये कितनी बड़ी बात है. अभी तक हमने सिर्फ दूसरों की बातें सुनी है और उसके बेसिस पे शायद चीज़ों को विजुअलाइज किया है, सोचा है, बट हमारे सामने कोई प्रैक्टिकलिटी अभी आई नहीं है. जिस दिन हम कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे या विद माई बेस्ट विशेज आई थिंक जिस दिन आप कंपनी के किसी डायरेक्टर या CEO, CFO, MD बन जाएंगे उस दिन आप रियलाइज करेंगे कि उनका जो समय है एक एक मिनट, नॉट ओनली एक घंटा या 10 मिनट बट एक एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट है. तो जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनके बगैर आए भी काम चल सकता है तो वो कमिटीज बना देते हैं और ये कमिटीज बनाना कंपनीज एक्ट के तौर पे अलाउड है. ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, वो अलाउड है ये करना तो वो कर सकते हैं. वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि भाई कितना लोन लेना है, किससे लेना है, कितने इंटरेस्ट पे लेना है, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो जो कमेटी है वो तय कर सकती है. और जो भी कमेटी ने फैसला लिया होगा, क्योंकि ये कमेटी अपने आप तो बनी नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई है, तो जो भी कमेटी फैसला लेगी वो पूरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा प्रोवाइडेड कमेटी अपनी रेंज के अंदर काम करे. रेंज मतलब जैसे कि डायरेक्टर्स ने कमेटी को बोला कि भाई आप मैक्सिमम जो है चाहे एक बैंक से लोन लो, चाहे 2 से लो, चाहे 5 से, चाहे 10 से, मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं. अब ये कमेटी को चाहिए कि वो इस चीज को ध्यान रखे. ये नहीं कहा गया कि एक बैंक को कहता है चाहे जितने बैंक से आप लोन लो, चाहे 1 से लो, चाहे 2 से लो, चाहे 3 से, जितने भी बैंक से लोन लोगे टोटल लोन का जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो कमेटी फिर 10 लाख का ही या 10 लाख तक ही लोन ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं. एग्जाम्पल को समझाते हुए यहाँ पे कहा गया फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम बोरोइंग अ सम व्हिच टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी its free reserve with security premium apart from the temporary loans obtained from the bankers in the ordinary course unless they have received the prior sanction of the company by special resolution in the general meeting. देखिए अभी तक जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं हम बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि बोर्ड के पास खुद पावर है, उसे शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है,
वो अपनी खुद की मीटिंग बुलाए या फिर बोर्ड चाहे तो ये पावर कमिटी को दे सकता है, वो लोन कितना लेना है ये तय कर सकते हैं। पर इसकी भी कहीं ना कहीं एक लिमिट हमें रखनी पड़ेगी। तो एक्ट ये कहता है, आपने आई एम श्योर क्लास 12th में जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे तो वहाँ पे आई एम श्योर आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम होता था सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो। एक अगर आपने कुछ सुना हो, मतलब अगर एक आइडल रेशियो की बात करें जैसे कि क्या आइडल रहना चाहिए, तो आई थिंक वो हम बोलते हैं कि भाई 2:1 अगर कोई बोलता है तो उसका मतलब ये होता है कि दो इक्विटी हो और एक डेट हो, यानी डबल हमारी इक्विटी हो और डेट जो है वो कम हो, ये ज्यादा अच्छा है। ये चलिए ये कह दीजिए ट्वाइस जो भी है वो एसेट है, एसेट्स दो गुना हो और लाइबिलिटी एक गुना हो, तो ये एक बैलेंस है, ये एक अच्छी सिचुएशन है। अगर ये 1:1 रह जाएगा, यानी एसेट्स जितने हैं उतनी लाइबिलिटी है, तो ये रिस्की हो जाएगा। और अगर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या कि एसेट्स हमारा 1 है और लाइबिलिटी हमारी 2 हो गई, तो अब ये रिस्की नहीं, बहुत रिस्की है और कंपनी अब बस आज कल परसों वेट कर रही है कि कब वो बंद हो, ये सिचुएशन है। तो समझाने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि एक लिमिट सेट करी गई है कि कंपनी कितना पैसा बोरो कर सकती है, क्योंकि फिर कंपनी अगर कोई लिमिट नहीं सेट करेंगे तो मान लीजिए वो बोरो करती गई तो एक लिमिट के बियॉन्ड उसके बाद फिर कंपनी रीपे की कैपेसिटी खो देगी अपनी। अब नॉर्मल लाइफ में देखिए कि जैसे एक इंडिविजुअल है, चाहे आप हैं, मैं हूँ या कोई भी है, अब बैंक भी अगर आप जाएंगे बैंक के पास लोन लेने एज अ स्टूडेंट, बैंक आपको लोन देगा? मे बी द आंसर इज नो, नहीं देगा वो लोन, क्योंकि किस बेसिस पे दे, अर्निंग कैपेसिटी तो अभी आपकी शायद नहीं है। बट अगर आपके पेरेंट्स जाएंगे तो उनको लोन मिलेगा। बट अगर वो कहें कि भाई मुझे 100 करोड़ का लोन दे दो या 1,000 करोड़ का लोन दे दो या 10,000 लाख करोड़ का लोन दे दो, बैंक देगा? बड़ा मुश्किल है। क्यों देगा? क्यों? बिकॉज ये बहुत बड़े अमाउंट है। इसके लिए बैंक को ये देखना पड़ेगा कि जिसको ये लोन दे रहा है, चाहे वो पेरेंट्स आपके हैं, चाहे वो मेरे हैं, चाहे वो किसी और के हैं, क्या उस इंडिविजुअल के पास इतनी रीपेइंग कैपेसिटी है? क्योंकि लोन का मतलब ये थोड़े है कि बस पैसा लेना है। लोन के साथ एक और चीज जो हिडन नहीं है, साफ साफ है, जो इम्प्लाइड है, जो कहने की जरूरत नहीं है, कि जैसे आप पैसे ले रहे हैं बैंक से, वैसे आपको लौटाने भी हैं और लौटाने ज्यादा ही हैं, जितने लिए उससे ज्यादा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो हर जगह एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी अमाउंट में वेरी करेगी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। पर ये जरूर कहा गया है कि जब भी कंपनी लोन लेगी वो इससे बियॉन्ड नहीं जा सकती। क्या जितनी उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, जितना उसके पास रिजर्व है, जितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में बचा है और जितना उसने टेम्परेरी लोन से लिया है, इन चारों को मिला के, मान लो उसकी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ, तो मान लो पेड अप शेयर कैपिटल जो कंपनी की है, वो छोटे एग्जाम्पल आर द बेस्ट है ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ। 100 रुपये पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, लेट्स से 70 रुपीज फ्री रिजर्व में पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 30 रुपीज पड़ा है, और उसने जो बाकी लोन लिया है, लिखा है कि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अपार्ट फ्रॉम टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द बैंकर्स। तो अगर इन तीनों का हम जोड़ लें, टेम्पररी लोन्स तो ऑलरेडी हमने ले ही रखे हैं, तो ये टोटल जो आएगा वो 200 का आएगा। तो मतलब ये हो गया कि कंपनी 200 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकती। अब यही ऐसे मान लीजिए आपको 200 रुपये का अमाउंट कम लग रहा है, चलिए 100 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है, 70 करोड़ का अपना रिजर्व है, जबकि 30 करोड़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो इन सभी को आपने जोड़ दिया तो कितना हुआ, 200 करोड़। 200 करोड़ के बियॉन्ड कंपनी लोन नहीं ले सकती बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर 200 करोड़ के बियॉन्ड कंपनी को लोन लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर सिर्फ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, फिर SR चाहिए। SR मतलब क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और तो ही ये रेजोल्यूशन पास हो पाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज, ये सारी बात करने का ऑब्जेक्टिव या स्पेशल रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, तो ये जान तो लें कि कंपनी कितना बड़ा रिस्क ले रही है, क्योंकि ऑलरेडी 200 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें, 100 करोड़, 70 और 30, तो ये कम नहीं है। बट अगर कंपनी इससे भी बियॉन्ड जाना चाह रही है तो फिर ये हमें सोचना पड़ेगा कि ओनर्स को इसके बारे में अवेयरनेस हो, क्योंकि अगर कल कंपनी पैसे नहीं दे पाती और बैंक जो है उस पर डिफॉल्ट हो जाता है, कंपनी ने पैसे नहीं दिया तो कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, और बैंक जब प्रॉपर्टी बेचना शुरू करे, तो कोई शेयर होल्डर ये ना बोले कि भाई मुझे नहीं पता था ये बात कि कंपनी ऐसा गलत कर रही है,
क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसे नहीं मिलेंगे, सबसे पहले एसेट्स बेच के, कंपनी के एसेट्स बेच के किसके पैसे की रिकवरी होगी? बैंक के पैसे की रिकवरी होगी, शेयर होल्डर्स को तो तब मिलेगा जब कुछ बचेगा। तो सब कुछ क्लियर हो जाए जिससे कि बाद में कोई ये कहने वाला ना हो कि भाई मुझे नहीं पता था या ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। इसलिए भी यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डिनरी नहीं, ये कहा गया स्पेशल, और स्पेशल का मतलब आप जानते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन मींस मोर देन 75% लोग इस बात से अग्री करते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। एज पर द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 464 dated 5th June, private company have been exempt to comply with the entire provision of section 180. Recently, special resolution is not required to exercise the powers under section 180 for the private companies. तो ये जो बात मैंने पूरी की पूरी आपको समझाई है, जितना भी मैंने अभी कहा SR के बारे में और सब कुछ, ये limits जो है या फिर special resolution की जो need है, that is only and only applicable to the limited companies. प्राइवेट कंपनीज के अंदर आप जानते हैं, चैप्टर सेकंड देखिए काफी इंपॉर्टेंट है हर मायने में, ना ही वो इतना बड़ा चैप्टर था, ना ही आपने इतना समय और मैंने इतना समय लगाया, इतनी मेहनत करी, पर उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट मैंने एकदम स्क्रैच लेवल से समझाया और जो कि मैं हर चैप्टर में करता हूँ। तो वहाँ पे आप जानते हैं ये बात भी कही कि प्राइवेट कंपनीज इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करती है, और जो प्राइवेट कंपनीज है उसके अंदर जो लोग हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो जनरली बहुत लिमिटेड हैं, या यूँ कह दीजिए या तो वो डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वो डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स हैं, यानी कोई बाहर आउटसाइडर जनरली जिसका कोई भी रिलेशन कंपनी से ना हो, वो प्राइवेट कंपनी में शेयर नहीं खरीद सकता। और मैं बोलता हूँ खरीद के करेगा भी क्या, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कोई ओपन मार्केट में खरीदे और बेचे तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ पे यही बताया गया कि जो लिमिट्स की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर द लिमिटेड कंपनीज। इसका मतलब ये हो गया है कि प्राइवेट कंपनीज जो है उनके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है, वो अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा भी पैसे ले सकती हैं, और इस चीज के लिए उन्हें प्राइवेट कंपनीज को स्पेशली किसी भी मेंबर का कंसेंट या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। जबकि अगर कोई भी लिमिटेड कंपनी कह दीजिए कि आपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा पैसा लेना चाहेगी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा पैसे लेने चाहेगी, तो उस लिमिटेड कंपनी को फॉर श्योर जो शेयर होल्डर्स का SR यानी स्पेशल रेजोल्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी। बढ़ते हैं आगे, अनऑथराइज्ड और अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अब देखिए अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अल्ट्रा वायरस को अगर हमें किसी वर्ड्स में डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं बियॉन्ड पावर्स, जैसे लिखा है बियॉन्ड द पावर ऑफ द लीगल अथॉरिटी। मैं एक एग्जांपल से ये बात आपको समझाना चाहता हूँ, इससे पहले जो यहाँ पे लिखा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर ये कहा गया है कंपनीज एक्ट में, जो आपने पढ़ा भी है, कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर्स चाहिए, या चलिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो मेंबर्स चाहिए, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही बातें सही हैं कि मिनिमम दो डायरेक्टर्स चाहिए और मिनिमम दो मेंबर्स भी चाहिए प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए, तो क्या आप या मैं या हम में से कोई या हम सब मिलके ये कह सकते हैं कि नहीं प्राइवेट कंपनी में दो क्यों चाहिए, हम तो एक से चलाएंगे कंपनी, या हम प्राइवेट कंपनी में दो नहीं, हम तो एक डायरेक्टर रखेंगे, या दो मेंबर्स नहीं एक मेंबर रखेंगे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? और कहने का मतलब कह तो सकते हैं ऑब्वियसली, मैंने कहा, बट कहने से मेरा जो मतलब है बात का वो ये है कि क्या हमारे कहने से ये बदल जाएगा, क्या जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो कंपनीज एक्ट में लिखा है, क्या हमारे कहने से वो बात बदल जाएगी? द आंसर इज नो। सो अल्ट्रा वायरस वो चीज है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन है, हमें उसी को फॉलो करना है, हमारी मर्जी वहां पे नहीं चलेगी, हमारी विश वहां पे नहीं चलेगी, जो हम कहें हम सोचें कि वही मान लिया जाए ऐसा नहीं होगा। तो अल्ट्रा वायरस हर वो चीज है जहाँ पे बियॉन्ड द पावर्स, मतलब हम शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लीगली हम नहीं कर सकते बट हम करना चाहते हैं, तो जो चीज लीगली पॉसिबल नहीं है वो अल्ट्रा वायरस की डेफिनेशन में आ जाती है। और वो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते, हम में से कोई नहीं कर सकता। लॉ बदल, प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में या पब्लिक कंपनी की सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, क्या उसको मैं और आप बदल सकते हैं या हम सब भी मिल जाएं, क्या हम बदल सकते हैं, भले हम कोई भी हों? द आंसर इज नो। तो वही अल्ट्रा वायरस है।
where a company borrows without the authority conferred on it by its article or beyond the amount set out in the articles, it is ultra vires borrowing. Any act which is ultra vires, the company is void. In such a case, the contract is void and the lender cannot sue the company for the return of the loan. So, देखिए ये बात बड़ी कॉमन है कि जब भी हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट है, विच इज कॉल्ड एज दी MOA एंड दी AOA. MOA स्टैंड्स फॉर दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसके अंदर जनरली कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात लिखी होती है, जबकि AOA स्टैंड्स फॉर द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स कैसे अपॉइंट होंगे, या कौन कौन शेयर होल्डर हो सकते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स का क्या होगा, रिजर्व का क्या होगा, कुछ ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑडिटर का क्या होगा, ये सब बातें कंपनी के AOA में लिखी होती है. अब कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी के MOA में लिखी है या AOA में लिखी है और उसको आप उसको आप बाईपास करना चाहेंगे, उसको आप अपने तौर पे इंटरप्रेट करेंगे, तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा. मतलब कुछ भी ऐसा जो कंपनी के AOA में MOA में लिखा है वो अगर आप नहीं मानते हैं और उसके बियॉन्ड जाके कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ अल्ट्रा वायरस है और वो वॉइड है. वॉइड है मतलब गलत है, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते. If the lender has parted with his money to the company under the ultra vires borrowing and is therefore unable to sue for his return or enforce any security granted to him, he nevertheless has the equity in the following remedies. अब देखिए ये बड़ी कॉमन सी बात है. अगर हम इतना पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो हम तो ये जानते हैं है ना कि अल्ट्रा वायरस क्या है, इंट्रा वायरस क्या है, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज जो है अब हमें धीरे धीरे समझ आ रही है. पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सब लोग इतनी सारी बात जानते हैं कि MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, क्या अल्ट्रा वायरस है, क्या इंट्रा वायरस है, क्या सब लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं ये बात जानते हैं? द आंसर इज नो. मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि देखिए बहुत बार जो कंपनी में लोग इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जनरली उनका ऑब्जेक्टिव, मैं ये तो नहीं कहता हमेशा, बट जनरली उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो कैसे उस पैसे को इन कैश करें, मतलब कैसे जो शेयर्स में उन्होंने पैसा लगाया है, बस वो ये वेट करते हैं कि ये शेयर का प्राइस बढ़ जाए या उन्हें डिविडेंड मिल जाए और वो अर्न कर लें पैसा और शेयर बेच दें. दैट इज ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल शेयर होल्डर. वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है ही नहीं कि भाई कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी का AOA क्या कहता है, वो इस बारे में नहीं जानते. पर ऐसा नहीं है कि वो जान नहीं सकते. मैंने आपसे पहले भी बात करी है, कुछ पैसे देके 500 रुपए की फीस देके आप कंपनी के किसी भी, नॉट ओनली लिमिटेड कंपनीज, नॉट ओनली प्राइवेट, जितनी भी कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिस कंपनी का आप चाहें आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑनलाइन MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. 500 रुपए एक कंपनी की फीस है, जितनी कंपनी आप करना चाहें उसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है और सबके लिए है. ऐसा नहीं कि अगर कोई CS है तो वो ये कर सकता है, स्टूडेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. जिस बच्चे ने CS नहीं स्टार्ट किया वो भी ये कर सकता है और जो CS बन चुका है वो भी ये कर सकता है. सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, क्या ठीक है ये बात? मुझे, मैं समझता हूँ और आप ये मानेंगे कि अगर मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो कंपनी को भी अपने तौर पे मेक श्योर करना चाहिए कि वो गलत ना बोले. बट ठीक है, वो एक अलग बात है. बट क्या एज एन इन्वेस्टर ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं भी कंपनी के आर्टिकल्स या मेमोरेंडम को देख लूँ, पढ़ लूँ? क्योंकि मान लो कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में लिखा था कि कंपनी जो है वो बाहर से एक्सटर्नल पार्टी से पैसे नहीं ले सकती, नहीं ले सकती, ये नहीं कि इतने ये नहीं ले सकती या उतने नहीं ले सकती, लेकिन ले ही नहीं सकती, पर कंपनी पैसे मांग रही है. और अगर मैंने वो चीज पढ़ ली होती तो मैं पैसे ना देता, क्योंकि मैंने पढ़ लिया. और आप जानते ही, मैंने अभी कहा कि कंपनी उस बात के बियॉन्ड नहीं जा सकती जो उसके आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में लिखा है. तो अगर मैंने पढ़ लिया होता तो फिर मैं डेफिनेटली वो पैसे ना देता कंपनी को. तो आई थिंक उसी परस्पेक्टिव पे ये बात जो है वो करी गई है कि अगर हम ये जानते हैं एज एन इन्वेस्टर और फिर भी
हम जानबूझ के हमने पढ़ लिया मेमोरेंडम आर्टिकल, उसमें लिखा है कि आप नहीं पैसे दे सकते कंपनी को, या कंपनी बाहर एक्सटर्नल पार्टी से पैसे नहीं ले सकती, फिर भी हमने पैसे दे दिए, तो गलती फिर हमारी है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया, वो ठीक है किया होगा, बट गलती हमारी भी है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हम जाके पढ़ सकते थे, समझ सकते थे और अपना फैसला ले सकते थे, कोई रुकावट तो किसी ने रोका तो नहीं है, तो फिर अगर हमने नहीं किया तो ये गलती हमारी भी है। और इन दैट केस यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपने जानबूझ के, आप जानते थे कि कंपनी को पैसे नहीं दिए जा सकते, फिर भी आपने दिए, तो आप अपना राइट जो है पैसे रिकवरी का वो आप खो देंगे, आप अपना राइट खो देंगे। पर एक्सेप्शन नाम की एक चीज है कि कंपनी के तौर पे अपना राइट खो देंगे, बट अगर नॉर्मल कोर्ट्स में आप जाएं तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आप ये कह सकते हैं ठीक है सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे पढ़ना चाहिए था तो मैंने नहीं पढ़ा, पर क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? उनको तो पता, मुझे पता हो या ना हो सेकेंडरी बात है, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, बट कंपनी के डायरेक्टर्स तो अच्छे तरीके से जानते थे कि आर्टिकल्स में बात लिखी है कि पैसे नहीं ले सकते, फिर उन्होंने पैसे आके लिए क्यों, फिर क्यों उन्होंने पैसे लिए, ये मैं सवाल उठा सकता हूँ। तो ऐसे सवाल जो है वो तो जरूर उठाए जा सकते हैं, बट बेटर ये रहेगा कि हम आर्टिकल्स और मेमोरेंडम पढ़ के ही इन्वेस्ट। तो अगर मान लीजिए हमने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में डिस्प्यूट हो गया, कंपनी कहती है हम तो पैसे नहीं देंगे क्योंकि आपने मेमोरेंडम क्यों नहीं पढ़ा, वहाँ तो साफ साफ लिखा है कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे, तो बात सही है, हम नहीं पढ़ा, गलती हमारी है, पर अब हम क्या करें, क्या रास्ता निकाला? तो कंपनी सेक्रेटरी से मिलने गए तो उसने बोला कि ठीक है सर आप परेशान मत होइए, इसका एक रास्ता है कि कंपनीज एक्ट में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट नॉर्मल लॉ में आप फ्रॉड का या इन सब बातों का केस तो फाइल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज है इंजंक्शन एंड रिकवरी। नाउ इंजंक्शन होता क्या है? इंजंक्शन देखिए बहुत बार उन्होंने एक वर्ड लिख दिया, अब ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने आप समझता है, समझे नहीं समझा तो समझता तो आगे निकल जाए, बट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज मैं आपको समझाऊं। और देखिए जब हम इंजंक्शन के बारे में बात करते हैं उसके साथ एक रिकवरी का भी वर्ड जुड़ा है। अब इस इमेज से भी आइडिया लगा सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको दिख रही है। सो इंजंक्शन मींस किसी भी चीज को रोकना। अब देखिए होता क्या है कि बहुत बार दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, अब हमें नहीं पता, ये बात नहीं जानते कि दोनों में से सच कौन कह रहा है, बिकॉज जो भी वो बात कह रहे हैं दोनों में ही सच्चाई नजर आ रही है, और ऐसे किसी को सही बोलना और दूसरे को गलत बोलना ही सही नहीं होगा, हमें चीजों को एग्जामिन करना पड़ेगा जिसके लिए समय लगेगा। और अगर ऐसा लगता है कि भाई जितना समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चलती हैं, सालों साल ऐसे बीत जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, और वो नॉर्मल है बहुत, तो कोर्ट क्या कर सकता है, क्योंकि इन जब यह समय बीत रहा है, क्योंकि आज कोर्ट की, आपको अगर प्रैक्टिकल बात बताऊं कि अगर मान लीजिए कोर्ट की अंडर लर्नर्स आपका केस बड़ा हाई प्रोफाइल है, पॉलिटिशियंस हैं आप या उस कैटेगरी या कार्डर से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, तो ये तो एक एक्सेप्शनल क्राइटेरिया हो गया मेरे जैसे और शायद आप जैसे आम इंसानों के लिए। जस्टिस जो है वो महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप खुद भी देखते हैं, खुद भी जानते हैं। तो इन दैट थॉट प्रोसेस मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलता है ठीक है दोनों अभी सही कह रहे हैं, बट हम किसी को भी हाँ या ना नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते कौन जीत गया हार गया, इसको एग्जामिन करेंगे, बट एग्जामिनेशन में थोड़ा समय लगेगा, तो हम इसको फॉर द टाइमिंग, सुना होगा स्टे ऑर्डर पास करना है, स्टे मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे कि जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ अगर उसी का एक एग्जाम्पल मैं दूँ, बिकॉज आई लव गिविंग एग्जाम्पल्स, प्रोफेशनल के बच्चे, अब तो सारे सब्जेक्ट मेरे प्रोफेशनल के कम्प्लीट हो गए हैं, तो वो यही कहते हैं कि सर द बेस्ट पार्ट इज कि आप मॉड्यूल तो कवर कराते हैं बट एग्जांपल्स बहुत आप देते हैं, और मुझे खुद एग्जांपल्स दे बगैर सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता, जो सच बात है। तो उसमें यह है कि मान लीजिए किसी को पैसे नहीं देने चाहिए थे क्योंकि आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में नहीं लिखा था, पर आपने पैसे दे दिए, और जब पैसे दे दिए तो कंपनी से आपने जब पैसे बाद में वापस मांगे तो कंपनी ने कहा भाई हम तो नहीं देंगे आपके पैसे वापस, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कि पैसे नहीं देने थे आपको, अब आपने दे दिए तो आपकी गलती थी, आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो वो कहते हैं ठीक है, अब ये बंदा कोर्ट चला गया तो कोर्ट सबसे पहले ये ऑर्डर करेगा कि जो इस बंदे के पैसे हैं, जो भी इन्वेस्टर है जिसने कंपनी को पैसे दिए हैं, वो पैसे जहां भी पड़े हैं उसको खर्च नहीं करा जाएगा, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, फ्रीज मतलब जैसे बर्फ जमाते हैं ना फ्रीजर में, फ्रीज कर दिया जाएगा, वहीं का वहीं रख दिया जाएगा, उसमें ना कुछ एडिशन किया जा सकता है ना सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है, वो चीज वहीं रहेगी,
दैट इज कॉल्ड एज इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर्स इंजंक्शन। तो कोर्ट उस दौरान जब इंजंक्शन पास कर देगा तो एग्जामिन करेगा कि कंपनी ने उस पैसे का क्या किया। अब अगर इस तरीके से समझिए कि कंपनी ने उस पैसे को यूटिलाइज किया, अपने बिजनेस में लगाया और फायदा कमाया, तो कंपनी ने इस, ये तो कंपनी भी जानती थी कि ये पैसा वो नहीं ले सकती, या तो वो यूटिलाइज ना करती। अब यूटिलाइज करा और फायदा भी कमाया, तो जब फायदा कमाया तो उस बंदे को भी दो ना पैसे जिससे आपने लिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अंडर द इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन ही कैन ऑब्टेन एन इंजंक्शन प्रोवाइडेड ही कैन ट्रेस एंड आइडेंटिफाई द मनी लेंड एंड एनी प्रॉपर्टी व्हिच द कंपनी हैज ब्रॉट विद इट। Even if the money is advanced by the lender cannot be traced, the lender can claim repayment if it is proved that the company has benefited. जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी में जो पैसा आपने लगाया उससे कंपनी को फायदा हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं लेना चाहिए था कंपनी को पैसा, बट कंपनी ने एक्सेप्ट करा, और ये जानते हुए कि कंपनी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती थी और इस पैसे को कंपनी ने इन्वेस्ट किया, उससे कंपनी को रिटर्न मिल रहा है। तो जब कंपनी को रिटर्न मिल रहा है तो फिर उस बंदे के भी पैसे दो ना जिससे आपने ये पैसे लिए हैं। इसमें देखिए दो राय नहीं है कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे, बट आपने दिए और कंपनी ने वो पैसे लगाए और कंपनी को उस पैसे से लगा के फायदा भी हो गया, तो फिर ये किस बात की, मतलब ये कहाँ का जस्टिस है कि उस बंदे के हम पैसे नहीं देंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं रिकवरी हो सकती है प्रोवाइडेड आप एज एन इन्वेस्टर आप ये पहले पता लगाएं कि वो पैसे हैं कहाँ पे। अगर कंपनी ने वो पैसे यूटिलाइज करे हैं और उससे कंपनी को फायदा हुआ तो आपको पैसा रिटर्न में दिया जाएगा। उसके बाद है सबरोगेशन, वेदर मनी ऑफ द अल्ट्रा वॉयरस बोरोइंग हैज बीन यूज्ड टू पे ऑफ द लॉफुल डेट्स ऑफ द कंपनी, ही वुड बी सबरोगेटेड टू द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर पेड ऑफ एंड टू दैट एक्सटेंट वुड हैव द राइट टू रिकवर द लोन फ्रॉम द कंपनी। अब देखिए सबरोगेशन, फिर वही एक वर्ड यूज कर दिया, बट ये इतना ईजी नहीं है कि बस जो बोल दिया हम उसी को बात समझा दूं मैं। इसके लिए हमें कंसेप्ट ऑफ गारंटी समझना पड़ेगा। पता नहीं आपने फाउंडेशन में पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि एक जमाना था जब मैं फाउंडेशन पढ़ाता था और मैंने फाउंडेशन कुछ नहीं तो अभी तो CSEET आ गया है, बट मैंने फाउंडेशन कुछ नहीं तो मोटा मोटा मान लो 8 years फाउंडेशन पढ़ाया है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी था, आपको पता होगा, वहीं पे बात करते थे गारंटी की। तो गारंटी में 3 parties होती थी, एक होता था प्रिंसिपल डेटर, एक होता था श्योरिटी और एक होता था क्रेडिटर, अगर आपको याद हो। नहीं तो कोई बात नहीं, देखते रहिए, मैं समझा तो रहा हूँ। तो प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर्स 3 parties हैं। प्रिंसिपल डेटर को पैसे चाहिए, वो आता है क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर बोलता है भाई मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, तो प्रिंसिपल डेटर बोलता है नहीं मुझे सच में जरूरत है सर, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। तो क्रेडिटर बोलता है ठीक है प्रिंसिपल डेटर, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ पर तभी दूंगा पैसे। क्रेडिटर बोलता है प्रिंसिपल डेटर को, मैं तभी दूंगा पैसे जब प्रिंसिपल डेटर किसी बंदे की गारंटी दिलवाए, यानी कोई ये गारंटी ले, क्रेडिटर का कहना है कि कोई ये गारंटी ले कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने नहीं पैसे दिए, जो भी समय तय है 1 महीना 1 साल व्हाटएवर, नहीं पैसे दिए तो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे श्योरिटी जो गारंटी ले रहा है वो पैसे दे। ऐसी कोई चीज अगर प्रिंसिपल डेटर कराए तो जो क्रेडिटर है वो सोच सकता है प्रिंसिपल डेटर को पैसे देने की। तो हम यहाँ पे इस जब कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो यही कहते हैं जब इसको समझाते हैं कि भाई मान लीजिए अगर ये समझ में आपको प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी और क्रेडिटर कौन है। प्रिंसिपल डेटर को पैसे की जरूरत है, वो क्रेडिटर के पास आता है, क्रेडिटर उसको मना करता है, क्रेडिटर ये कहता है कि ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद क्रेडिटर कहता है चलो ठीक है प्रिंसिपल डेटर मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर प्रिंसिपल डेटर तुम्हें श्योरिटी देनी पड़ेगी, तुम्हें किसी बंदे से गारंटी दिलवानी पड़ेगी कि अगर तुमने यानी प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए वो श्योरिटी पैसे देगा, ऐसी गारंटी दिलवाओ तो ही मैं क्रेडिटर होने के नाते प्रिंसिपल डेटर तुम्हें पैसे दूंगा। तो कहता है जी ठीक है मैं गारंटी ढूंढ के लाता हूँ। वो एक बंदे की गारंटी दिलवाता है जिसका नाम एस है, एस स्टैंड फॉर श्योरिटी। तो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए तो सर मैं पैसे दूंगा, एस बोलता है मैं दूंगा सर पैसे, आप चिंता मत करिए, आप इसकी मदद करिए, मैं दूंगा पैसे। वो कहते हैं ठीक है जी, आप पैसे दे दिए क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को, हुआ वही जिसका डर था। क्या डर था? कि प्रिंसिपल डेटर देगा या नहीं देगा पैसे वापस। प्रिंसिपल डेटर ने पैसे वापस नहीं दिए, अगर दे दिए तो फिर बात ही खत्म, फिर सबरोगेशन का टॉपिक ही नहीं आएगा, है ना, दे दिए तो बात ही खत्म। पर अगर नहीं दिए तो फिर क्या होगा, क्रेडिटर क्या बोलेगा? क्रेडिटर बोलेगा भाई ठीक है प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए। क्रेडिटर बोलेगा मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि श्योरिटी ने तो कहा है ना कि प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं देगा तो श्योरिटी पैसे देगा। तो क्रेडिटर श्योरिटी के पास चला जाता है, कहता है कि सर लाइए पैसे दीजिए।
अब श्योरिटी को तो पैसे देने ही पड़े क्योंकि उसने गारंटी ली थी, तो श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दिए और क्रेडिटर अपने पैसे लेके चला गया। अब कौन बचा इस पूरे सीन के अंदर? इसके अंदर बचा प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। पर अब श्योरिटी को हम श्योरिटी ना कह के हम क्या बोलेंगे? श्योरिटी को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। क्योंकि अब प्रिंसिपल डेटर ने जो पैसे लिए हैं वो उसको ओरिजिनल क्रेडिटर को नहीं वापस करने हैं, वो पैसे उसको किसको देने हैं? जो श्योरिटी बना था उसको देने हैं, क्योंकि श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे ओरिजिनल क्रेडिटर को पैसे दिए हैं ना, तो इसीलिए प्रिंसिपल डेटर अब श्योरिटी को पैसे देगा। हम यहाँ पे ये कहते हैं ये पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है जो मैंने अब आपको समझाया कि जब श्योरिटी क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन कर जाएगा, श्योरिटी के भी वही राइट्स हो जाएंगे जो क्रेडिटर के हैं, तो इस चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो बात लिखी, तो देखो ये सबरोगेशन का मतलब है, और ये सबरोगेशन का मतलब तीन लाइनों में कहीं नहीं लिखा है सच, बट समझाना पड़ा क्योंकि सब कैसे आपको समझ में आएगा अगर मैं सिर्फ तीन लाइनें बता दूं और आगे बढ़ जाऊं, तो बहुत ईजी है मेरे लिए, पर वैसा मैं करूंगा नहीं। मैं हर चीज कंसेप्ट पे चलना चाहता हूँ, जरूर 10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं तो लगे, बट आई एम श्योर उससे आपको बहुत फायदा होगा। Where the money of the ultra-various borrowing has been used to pay the lawful debts of the company, he would be subrogated to the possession of the creditor and paid off to the extent that would have the right to recover the money. ठीक है, अब subrogation समझने के बाद आइए ये बात हम समझते हैं। तो एक company है जिसका नाम है ABC, अब चाहे limited लिखिए चाहे private limited लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं limited लिख देता हूँ। और एक बंदा है जिसका नाम है I, जिसने जो investor है जिसने ABC limited में पैसा लगाया है, और हम ये जानते हैं जो सारी बात हमारी चल रही है वो यही कि एबीसी के एओए में लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि एबीसी लिमिटेड किसी भी बाहर वाले बंदे से पैसे नहीं ले सकती। पर अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टर है आई है, उसने एबीसी का एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा, और आई जो इन्वेस्टर है उसने पैसे एबीसी को दे दिए। एबीसी भी ने एबीसी को बताना चाहिए था कि सर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से पैसे नहीं ले सकते, बट एबीसी ने नहीं बताया, आई ने पैसे लगा दिए। अब जब पैसे वापस लेने की बारी आई तो एबीसी बोलता है भाई आई हम आपके पैसे नहीं देंगे। आई बोलता है क्यों नहीं दोगे? तो एबीसी लिमिटेड कहता है कि देखिए हमारा आर्टिकल ये क्लॉज में सामने आप देखिए पॉइंट नंबर फलाना में लिखा है कि हम किसी बाहर वाले से पैसे नहीं लेंगे, अगर कोई बाहर वाला हमें पैसे देता है तो वो अपना राइट लूज कर देगा, हम उसके पैसे वापस नहीं करेंगे। इन्वेस्टर बोलता है, बोलता है भाई ये क्या बात है। अच्छा चलो प्रैक्टिकल बात पे आते हैं, वो कहता है कि ठीक है मेरा पैसा कहाँ पे। जब वो इसको बारे में ढूंढता है पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि एबीसी लिमिटेड ने जो आई ने पैसे एबीसी लिमिटेड को दिए थे, एबीसी लिमिटेड ने वो किसी क्रेडिटर को दे दिया, यानी एबीसी लिमिटेड ने किसी बंदे से उधार लिया था। एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है, तो आई जो इन्वेस्टर है उसने जो पैसे एबीसी को दिए, जो एबीसी अब वापस करने से मना कर रही है क्योंकि उसके आर्टिकल्स में नहीं लिखा, वही पैसे जो आई ने एबीसी लिमिटेड को दिए हैं, एबीसी लिमिटेड ने आगे किसी क्रेडिटर को दे दिए थे, यानी उस बंदे को एबीसी ने वो पैसे दे दिए थे जिससे एबीसी कंपनी ने उधार लिया था, क्रेडिट लिया था। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ठीक है फिर तो एक जो आई है इंडिविजुअल है वो कौन हो गया? वो क्रेडिटर हो गया, क्योंकि जो आई है उसने पैसे एबीसी को दिए और एबीसी ने वही पैसे आगे किसी और को दे दिए, क्योंकि एबीसी ने अपनी लायबिलिटी खत्म करी। एबीसी ने लोन लिया हुआ था किसी क्रेडिटर से और उस क्रेडिटर को वो पैसे दिए जो आई यानी इन्वेस्टर ने एबीसी को दिए हैं, तो आई बोलता है कि अब मैं तो क्रेडिटर हो गया ना, मेरा तो पैसा दो। अगर तुमने ये पैसे से कोई आप ऐसे कह दीजिए बिजनेस में पैसा लगाया होता और लॉस हो जाता तो फिर मैं पीछे हट जाता, क्योंकि जब कंपनी को ही कुछ नहीं मिला तो वो कंपनी मुझे क्या देगी। और हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि जो पैसे इन्वेस्टर ने दिए उससे या तो कंपनी को फायदा हुआ या कंपनी ने उस पैसे को यूज करके अपना कोई लोन क्लोज करा, तो फिर वो कहता है आई कि भाई अब मैं क्रेडिटर बन गया, आपने मेरे पैसे से दूसरे का पैसा दिया तो मेरे भी पैसे वापस करो, क्योंकि ऐसे समझो ना कि कंपनी को जो क्रेडिटर है सी उसको तो पैसे देने ही देना, और कंपनी को वो पैसा देने के लिए कहाँ से मिला? आई से मिला, तो कंपनी को वो पैसे आई को वापस करने ही पड़ेंगे, बिकॉज आई इज इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर का पैसा अगर किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट के तौर पर आपने यूटिलाइज किया, सो यू हैव टू रिटर्न द अमाउंट। अगर आपको लग रहा हो अरे सर ये क्या खिचड़ी चल रही है, आपने क्या बना दिया ये, सो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये एग्जीक्यूटिव है, दिस इज नॉट CSEET या दिस इज नॉट फाउंडेशन, तो ये उतना इजी तो नहीं होगा, बट जिस तरीके से मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आई एम श्योर आपको ये इजी लग रहा होगा।
और फिर ये भूलिए मत कि ये चैप्टर 4 है, अभी चैप्टर 14 नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि जो फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है और इतने सालों से पढ़ा रहा है वो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा होगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए एक टॉपिक और पढ़ते हैं फिर खत्म करेंगे। सूट अगेंस्ट डायरेक्टर। In case of ultra vires borrowing, the lender may be able to sue the director for breach of warranty, especially if the director's deliberately misrepresented the authority. अब देखिए, हम ये बोलते हैं कि ठीक है, इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए था, AOA, MOA पढ़ना चाहिए था, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल सही है। पर अगर इन्वेस्टर ने डायरेक्टर से पूछा कि सर ये देखिए AOA में तो लिखा है कि कंपनी पैसा नहीं ले सकती किसी आउटसाइडर से, तो फिर तो मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि तुमने AOA क्यों नहीं पढ़ा। तो जब बात इन्वेस्टर कंपनी के डायरेक्टर से ABC लिमिटेड के डायरेक्टर को बोलता है, तो डायरेक्टर कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, आई को बोलता है, इन्वेस्टर को बोलता है ABC लिमिटेड का डायरेक्टर कि आप सर डरिए मत, ये तो पुराना है, ये AOA तो पुराना है, अब तो हमने इसको चेंज कर दिया, और आप टेंशन मत लीजिए, मेरी गारंटी है कि कंपनी पैसा देगी देगी, आप बस इन्वेस्ट कर दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पैसा आपका मिल जाएगा। तो मैंने तो अपना पढ़ा ना AOA, और जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने पूछा भी इन्वेस्टर होने के नाते। अब उस डाउट को अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर डायरेक्टर ऑक्यूपाया फिड्यूशरी पोजीशन, ट्रस्टवर्थी पोजीशन, डायरेक्शन देने के लिए कंपनी उन्हें पैसा देती है, डायरेक्टर को सैलरी इसलिए नहीं देती कि डायरेक्टर फ्रॉड करे, तो अगर डायरेक्टर के विश्वास दिलाने पे हमने ऐसा काम किया है तो फिर डेफिनेटली आई की कोई गलती नहीं। आप यही कह रहे थे ना भाई पढ़ लो, पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, MOA हमको तो पढ़ के आए हो, और पढ़ के आने के बाद मैंने फैसला लिया कि ये देखो क्लॉज लिखा है मैं तो नहीं दूंगा पैसे, तो उस पर डायरेक्टर कंपनी का बोलता है कि नहीं नहीं ये तो पुराना है, आप टेंशन मत लीजिए, नई कॉपीज हमारे पास है, उसमें तो हमने चेंज कर दिया, और मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर कंपनी कल कोई भी करती है, इशू क्रिएट करती है इन्वेस्टर का पैसा वापस करने में, तो मैं आपका पैसा आपको वापस दिलाऊंगा। और इसी थॉट प्रोसेस पे इन्वेस्टर पैसे ABC में लगा देता है, तो आप कहते हैं फिर तो कंपनी को और स्पेशली उस डायरेक्टर को जिसने झूठ बोला है इन्वेस्टर का पैसा वापस करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। पार्ट वन था ये, तो छोटा था, मैंने क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स काफी सारी बात करी, और जो मैं पार्ट सेकंड में आपसे मिलूंगा तो वी विल स्टार्ट विद फ्यू केस लॉज, बिकॉज केस लॉज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात जो है आपको आज समझ में आई होगी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। And till then, take care of yourself. Do whatever you want to for CS Executive, all subjects, and then CS Professional, all subjects, only and only Shantanu Nari classes. Thank you so much.